हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं कमल बिल्ड मार्ट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी वाला अंडरग्राउंड पाइप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको फोम कोर पाइप बोलते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फोम कोर पाइप के बारे में बताऊंगा कि फोम कोर पाइप क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। ये होता है दोस्तों फोम कोर पाइप, जो दिखने में रेड रेड कलर का होता है। इसको फोम कोर पाइप क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फोम कोर पाइप बेसिकली 3 लेयर पाइप होता है दोस्तों, अर्थात इसमें 3 लेयर से मिलकर इसको बनाया जाता है। इसका ऊपर वाला लेयर पीवीसी होता है और इसका अंदर वाला लेयर भी पीवीसी होता है, और बीच में आप ये जो देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का लेयर, ये होता है फोम कोर। तो इसमें फोम क्यों मिलाया गया है तो एक चीज समझने वाली बात है। आप सब जानते हैं फोम की क्या प्रॉपर्टी होती है। फोम की प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात तन्यता। उसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करके इस पाइप में को बनाया गया है, जिससे ये एडवांस प्लंबिंग पाइप बन गया है। दोस्तों, फोम कोर पाइप को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फोम कोर पाइप अंडरग्राउंड पाइप होता है, इसी को UGD पाइप भी बोलते हैं। इसी को आपको अंडरग्राउंड भी पाइप बोलते हैं, इसको आपको फोम कोर पाइप भी बोलते हैं। तो फोम कोर पाइप को अंडरग्राउंड पर्पस के लिए बनाया गया है। आप रिजिड पाइप के बदले में फोम कोर पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिजिड पाइप का न्यू वर्जन पाइप बोल सकते हो आप इसको, अर्थात रिजिड पाइप के बदले में आप इसको लगा सकते हो। इसके लगाने के फायदे ये हैं दोस्तों, फोम कोर पाइप लगाओगे तो ये इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये नहीं टूटता है। जैसे रिजिड पाइप के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो रिजिड होने के कारण, रिजिड अर्थात सख्त, वो सख्त पाइप होता है। रिजिड पाइप के ऊपर जैसी प्रेशर पड़ता है भग से टूट जाता है, लेकिन ये फोम कोर पाइप है और इसमें फोम मिला दिया गया है। अगर इसके ऊपर जैसे जैसे लोड पड़ता है तो ये जैसे जैसे सिकुड़ते चले जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर से लोड हटा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है दोस्तों। ये ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आप रिजिड पाइप के बदले में फोम कोर पाइप लगा सकते हैं। ये जैसे रिजिड पाइप 40 साल की उसकी लाइफ होगी तो फोम कोर पाइप की 80 साल की लाइफ होगी दोस्तों। ये ज़्यादा दिन टिकेगा। और रेट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई जगह जाके और कई कंपनी का और कई शॉप में भी जाके पता किया है, रिजिड पाइप और फोम कोर पाइप का रेट दोनों का सेम होता है, रेट में डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको सेम रेट पे रिजिड पाइप के बदले में कोई एडवांस प्लम्बिंग सिस्टम मिल रहा है, उसका नए टेक्नोलॉजी का अंडरग्राउंड पाइप मिल रहा है, तो हमेशा आपको रिजिड पाइप के बदले में फोम कोर पाइप ही लगाना चाहिए। ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए एडवांस और नया टेक्नोलॉजी का है। आप हमेशा फोम कोर पाइप को ही इस्तेमाल करेंगे अंडरग्राउंड पाइप के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, फोम कोर पाइप कितने प्रकार का आता है। तो फोम कोर पाइप में प्रकार ज़्यादा नहीं होगी। ये जैसे ये देख रहे हैं, ये SN2 है। ये SN2 अर्थात ये कम थिकनेस वाला है। इसके ऊपर जाओगे तो SN4 मिलेगा, उसके ऊपर SN8, उसके ऊपर SN10। मतलब इसमें भी SN से रिलेटेड आपको दो चार आपको ये वॉल थिकनेस में अंतर आपको दिख जाएगा। SN2 नॉर्मली इसका कम थिकनेस वाला होता है। आप SN2 भी लगा सकते हैं, जहां आप 4 kg का रिजिड पाइप लगा रहे हैं वहां आप SN2 लगा सकते हैं फोम कोर पाइप। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फोम कोर पाइप कितने साइज में अवेलेबल है। तो फोम कोर पाइप 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची और 10 इंची तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से फोम कोर पाइप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त अंडरग्राउंड पाइप है। आपको रिजिड पाइप के बदले में इसी को लगाना चाहिए। ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजिड पाइप का अपग्रेड वर्जन आ गया है फोम कोर पाइप, तो आपको इसी को लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एडवांस UGD पाइप के बारे में बताया हूँ, फोम कोर पाइप के बारे में। आई होप को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।